वो 6,500 रुपये की रेंज में था। और ये एक रेड कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, ये भी एक वेस्पा का कूलर है जो कि आपका 4,500 बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आता है। 4,500। हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका अपना जसप्रीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब गाइस यार, होप करता हूं बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेसीबी पे। तो गाइस आपसे सबसे पहले बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूं इस करके क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड में मैं कहीं जाके वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन गाइस अब गवर्नमेंट की परमिशन कुछ कुछ दुकानों को मिल चुकी है, जैसे कि कूलर पंखे, वो उनको सेल करने की इजाज़त मिल चुकी है। तो गाइस हम लोग एक आए हैं, एक परमिशन, जिनको परमिशन मिल चुकी है उसी दुकान पर। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि पिछला वीडियो हमारा एसी के ऊपर जो था उसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया, तो आज हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो है कूलर्स के ऊपर। तो जो कम बजट में है, जो एसी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए इंडोर कूलर्स जो चले हैं, प्लास्टिक बॉडी फाइबर बॉडी के कूलर, तो नए जनरेशन के ये कूलर हैं, उसके बारे में आज रिव्यू करते हैं और बताते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेसीबी को, हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। कूलर की बात करने से पहले सबसे पहले हमारे सामने है कंपनी मैकॉय। मैकॉय इसका ये डिजर्ट कूलर आप देख रहे हैं। डिजर्ट कूलर की बात करते हैं तो ये आपका जो है स्क्वायर में होता है, स्क्वायर टाइप में, और काफी बड़ा होता है एरिया। और ये हमारा 100 लीटर पानी कैपेसिटी का है, 100 लीटर की इसकी जो वाटर की कैपेसिटी है वो 100 लीटर कर सकता है अपने स्टोरेज। प्लस इसकी अगर बॉडी की बात करते हैं, बॉडी इसकी जो है काफ़ी ABS शीट पे है, फाइबर क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक नए जनरेशन के, आपको जैसे आप देखते थे पहले वो साइडों में घास लगी होती थी, इसमें नए जनरेशन के पैड दे दिए गए हैं, वो हैं हनी कॉम पैड जिनको बोला जाता है। हनी कॉम पैड बेसिकली ये आपका फाइबर और वुड दोनों से मिलकर बना होता है, ये ज़्यादा जल्दी ना गलता है ना ख़राब होता है। तो इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपका सफोकेशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है। प्लस इसके अगर हम RPM की बात करें तो ये 900 RPM पे है। इसमें आपके 3 मैनुअल स्पीड एडजस्टेबल दे रखे हैं, प्लस आपका जो है स्विंग का ऑप्शन दे रखा है हॉरिजेंटली, और स्विंग प्लस पंप का भी ऑप्शन दे रखा है, तो दो ऑप्शन ये दे रखे हैं। और इसी में अगर हम बात करते हैं तो इसका ये 70 लीटर का एक आ जाता है, ये भी हम आपका डिजर्ट कूलर में बात करते हैं, मरीन 70 लीटर, ये 70-70 लीटर के वाटर कैपेसिटी के साथ आता है। प्लस इसमें एक ऑप्शन ये आपको नहीं मिलता है एडवांटेज, इसमें आपको घास लगी मिलेगी, इसमें आपको हनीकॉम पैड लगे मिलेगा। तो गाइस ये तो हो गए ये दो कूलर, डिजर्ट कूलर। अब हम बात करते हैं टावर कूलर की। टावर कूलर बेसिकली आपके घर में स्पेस या आपकी दुकान में स्पेस बहुत कम है, आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस रखने की नहीं है, तो उसके लिए एक आता है टावर कूलर। ये टावर कूलर है, ये आपका 54 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ मिलता है। प्लस इसमें भी आप, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें भी पीछे आपका बैक साइड पे हनीकॉम पैड दिए होंगे। बैक साइड पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये हनीकॉम पैड दिया हुआ है, एक ये जाली टाइप की दी हुई है जिससे आपकी गंदगी मच्छर वगैरह जो है वो ना जा पाए। प्लस इसमें एडवांटेज भी आपको मिलता है सभी कूलर्स में कि नीचे आपको रोलर्स मिल जाते हैं, आराम से आप कहीं भी स्लाइड इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका फंडा क्या होता है, ये सब आपके फ़ैन पे काम करते हैं ये सब कूलर, और ये जो कूलर है ये आपका ब्लोवर पे काम करता है। ये ब्लोवर जो कूलर हो, जो ब्लोवर कूलर्स होते हैं वो बेसिकली ब्लोवर जो है हवा की कैपेसिटी बहुत तेज़ मारते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसके एयर थ्रो की। इसका एयर थ्रो जो कंपनी क्लेम करती है वो 18 से 20 फीट तक का एयर थ्रो क्लेम करती है। तो गाइस हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ज़्यादातर बात करें कंट्री साइड में गाइस, तो क्या होता है कि जिन जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, कंट्री साइड में बेसिकली ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज ही होती हैं, वहाँ पर क्या करते हैं लोग एक ही बरामदे में या एक ही कमरे में बैठ के लोग बात करते हैं गर्मियों के टाइम, तो उसमें ज़्यादातर लोग कूलर को चलाना पसंद करते हैं। तो कूलर ज़्यादातर बिकने वाला क्या होता है, वो डिजर्ट कूलर होता है। जो पहले कूलर होते थे गाइस देखते थे आप, वो मेटल बॉडी के कूलर्स, तो उन मेटल बॉडीज कूलर की जगह जो है आजकल इन सब कूलर्स ने ले ली है, क्योंकि बेसिकली इनको क्या होता है कि इनको लगाना बड़ा आसान है, इनको आप इंडोर में आराम से ईज़िली लगा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और प्लस इसमें आइस चैम्बर भी दिया होता है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण आप आइस डाल के इसमें जो है क्या नाम है ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। तो गाइस सबसे बेस्ट, तो मैंने इन तीनों कूलर के बारे में तो बता दिया, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। जो 100 लीटर का कूलर ये डिजर्ट कूलर मैंने इसकी बात करी, ये है आपका 9,500 रुपये का कूलर। प्लस हम बात करते हैं इसी का 70 लीटर का जो कूलर है, ये इसका प्राइस की बात करें तो ये है 8,500 रुपये का, जो कि नेगोशिएबल है। और इसके डिजर्ट सॉरी टावर कूलर की बात करते हैं तो ये टावर कूलर जो है इसका 7,500 रुपये का पड़ेगा, वो भी बहुत नेगोशिएबल है। तो गाइस अब ये बात करते हैं तो इसमें कूलर्स की, तो महंगे कूलर्स की तो प्राइस की बात हो गई, अब आते हैं लो बजट के कूलर्स पे।
क्योंकि लो बजट के कूलर्स के बहुत से लोग जो है जितने महंगे कूलर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं लो बजट में जो कूलर्स आ रहे हैं उनके। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब कम रेंज के कूलर्स की तरफ। कम रेंज के कूलर्स की तरफ अगर बात करते हैं तो ये हमारे सामने है एक वेस्पा का कूलर, जिसका ऑलमोस्ट 40 से 45 लीटर का टैंक है। और इसकी भी अगर बात करें तो इसमें भी आइस चैम्बर अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ा आइस चैम्बर इसमें दिया हुआ है। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस का है 6,500 रुपये का गाइस। तो 6,500 में ये कूलर जो है, इसकी अगर कूलर की बात करें तो ये देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है और एक साल की वारंटी है 6,500 में। तो गाइस क्या चाहिए, इसकी खूबसूरती की तरफ आप थोड़ा सा देखिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी आपको जो है हनी कॉम पैड मिलेगा 6,500 रुपये में गाइस। जो मैं आपको बता रहा था ये देखिए, ये हनी कॉम पैड है 6,500 रुपये में जो आपको मिल रहा है। तो गाइस ये भी इसमें आपको एक एडवांटेज मिल रहा है 6,500 रुपये में, तो बेटर चीज़ है और कम ऑप्शन में। साल भर की वारंटी सभी गाइस देते हैं, सबकी ड्यूरेबिलिटी भी। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ, प्लास्टिक की बात करूँ, तो ये भी ABS बॉडी पे और प्लास्टिक बॉडी पे वेरिएबल बॉडी है इसकी। काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक चलने वाली, काफ़ी टाइम तक ही चलने वाली ये बॉडी है इसकी। तो इसी का सेम एक कूलर और है, उस पर बात करते हैं। उसको अभी हम थोड़ा सा आराम से आपको दिखाते हैं कूलर को, ठीक है। हाँ तो गाइस एक और वेस्पा का कूलर, जैसे कि हमने पहले आपको कूलर दिखाया वो 6,500 रुपये की रेंज में था, और ये एक रेड कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ये भी एक वेस्पा का कूलर है, जो कि आपका 4,500 बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आता है 4,500 रुपये की रेंज में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो हनी कॉम पे था और ये सिर्फ खाली जो है घास पे है। और इसका अगर स्टोरेज की बात करें तो ये भी आपका 30 लीटर तक के 35 लीटर का स्टोरेज है इसमें पानी का, और इसमें भी एक साल की आपकी वारंटी है। तो बाकी बात करते हैं इसके बटन्स वगैरह की, नॉब्स वगैरह की, वो भी काफ़ी खूबसूरत वगैरह बनाए हुए हैं। तो हॉरिजेंटल और आपका दोनों जो है पैनोरामल स्विंग जो है इसमें दोनों दिए हुए हैं। हाँ तो गाइस बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन तो काफ़ी एलिगेंट है और इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्विंग दिया हुआ है। और प्लस इसमें हम लोग ने जितने भी कूलर सबको देखे, उसको हम लोग ने चला के नहीं देखा क्योंकि पन्नी में रैप थे, तो ये रैप नहीं है क्योंकि ये बिक चुका है, सोल्ड हो चुका है। तो इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसकी स्पीड और इसकी फ़ैन क्वालिटी, इसकी फ्लो कितना है। बात करते हैं इनके ऊपर की तीन नॉब्स की। तो तीन नॉब्स में सबसे पहले तो ये आपका ऑन ऑफ का दिया हुआ है, ये पंप का दिया हुआ है, जो इसका पंप है उसके ऑन ऑफ का दिया हुआ है। प्लस ये इसके फ़ैन का दिया हुआ है, इसमें तीन सेगमेंट हैं आपके, हाई, मीडियम और लो। और इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरा नॉब जो दिया हुआ है, वो उसका दिया हुआ है स्विंग का। तो सबसे पहले आइए इसको सेगमेंट पे, सबसे लो सेगमेंट पे चला के देखते हैं इस कूलर को। तो देखते हैं कि लो पे कैसे ये इसका फ्लो आता है। ये मैंने इसको ऑन किया और लो पे काफ़ी अच्छा फ्लो है इसका। और लो पे तो कुछ खास नॉइस नहीं इसकी मुझे समझ में आ रही, कुछ नॉइस नहीं आ रही है। चलिए मीडियम सेगमेंट पे इसको चला के देखते हैं। तो गाइस मीडियम सेगमेंट पे भी फ्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट इसकी नॉइस की बात करें तो नॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है इसमें, बिल्कुल साइलेंट मोटर पे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए हाई करते हैं इसको। हाई करते हैं तो इसका फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। थोड़ी सी नॉइस को अगर आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ी सी नॉइस आ रही है, अदरवाइज इतना है, इतनी नॉइस नहीं है इसमें और बहुत ही अच्छा है फ्लो पे। अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं तो ये जो है यहाँ तक कि मुझे फ़्लो दे रहा है, और वहाँ तक के जहाँ तक ये जा रहा है इसकी भी कम से कम 15 से 18 फीट तक इसका फ्लो जा रहा है। तो गाइस बहुत अच्छी डील है इसको क्रैक करने के लिए 4,500 में कूलर सबसे बहुत अच्छा। हाँ तो गाइस हमने आपको कूलर तो दिखा दिए, और जहाँ पे हम कूलर इस वीडियो को शूट कर रहे थे, तो आइए मिलाते हैं शॉप के ओनर से, जिनका नाम मोहम्मद इमरान है, जो कि बहुत ही अच्छे मेरे जानने वाले हैं, बहुत ही खास। तो सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है आपके? सबसे पहले बताइए। आज का रमजान चल रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सर। आपको भी मुबारक हो। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इस आपने समय में हम लोग को वीडियो बनाने का मौका दिया। तो ये बताइए इमरान जी, जैसे कि अब मैं कूलर मैंने आपको दिखाया है, जैसे कोई भी कस्टमर अगर आप आता है तो इसमें ये रेट जो है मैंने बता तो दिया अपनी तरफ से नेगोशिएबल है, क्या ये बताइए और नेगोशिएबल हो सकता है? देखिए रेट जो आपने बताया नेगोशिएबल, बाकी जो भी होता है जैसे अपने प्राइस से कम लोअर से लोअर हम देने की वो करते हैं कम से कम। जैसे सपोज करिए आपने 46 बताया है, 45 बताया है, तो मैं उसमें भी डिस्काउंट करता है 10 से 15% डिस्काउंट करके। ओके तो गाइस
आप जो हमारी वीडियो देख के आएगा तो उसको 10-15% डिस्काउंट। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो गाइज आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियो अगर आप आते हैं शोरूम पे आते हैं, इसका लिंक और इनका नंबर इमरान भाई का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसा लगा गाइज ये हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, कोई भी अगले आगे की वीडियो के लिए कोई भी सजेशन हो, मैं कहते कहते थक गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे अपना सजेशन जरूर डालिए। तो जब तक ये अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।